विदिशा जिले में पूर्व विधायक निशंक जैन ने अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2020 तक गंज बासुदा और त्यौदा तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 6000 के आसपास जांच हुई, जिसमें 3500 के लगभग आरटीपीसीआर के सैंपल लिए गए। इसके बाद 1 जनवरी 2021 से आज दिनांक तक कोई भी टेस्ट नहीं हो रहा है। सरकार ने निर्णय लिया था कि हरिद्वार कुंभ से लौटने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी और उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। न तो उन यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया और न ही उनकी जांच की जा रही है। पहले गंज बासुदा नगर के शासकीय चिकित्सालय एवं बैदनखेड़ी स्वास्थ्य केंद्र पर पहले वैक्सीन भी लगती थी और कोरोना के सैंपल भी लिए जाते थे। अब न तो स्वास्थ्य केंद्र बैदनखेड़ी में सैंपल लिए जा रहे हैं और न ही वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि वहाँ पर MBBS डॉक्टर पदस्थ हैं। कोविड केयर सेंटर में 30 पलंग हैं और 30 पलंग पर केवल 4 ऑक्सीजन सिलेंडर 10 लीटर के हैं, जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर लीकेज हैं। 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हैं, जबकि कोविड सेंटर में मरीजों की संख्या 30 है, जिसके हिसाब से 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन होना चाहिए थी। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। 6000 टेस्ट हुए थे, जिसमें 3500 के आसपास आरटीपीसीआर और शेष एंटीजन टेस्ट हुए थे। इसके बाद से 1 जनवरी 2021 से आज दिनांक तक ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी टेस्ट नहीं हो रहे, और सरकार ने निर्णय लिया था, सरकार के मुखिया के निर्देश थे कि जो कुंभ से लौटेंगे उनका टेस्ट किया जाए और उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में कुंभ से लौटने वालों का कहीं कोई ना रिकॉर्ड है और ना टेस्ट किए गए। हमने कोविड मरीजों को 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सुबह चाय से लेके रात के 2 तक प्रति व्यक्ति, प्रति मरीज, प्रतिदिन 300 रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। उसके आधार पर अच्छी पोस्टिंग डाइट मिले, अभी भी डाइट मिल रही है, मगर मेरा कहना यह है कि उस हिसाब से फल फ्रूट जूस जो भी हो सकता है, जिससे वे शीघ्र स्वस्थ हों। और साथ में शासकीय अस्पताल में ओपीडी के दौरान 4 कमरों में 4 डॉक्टर बैठे, अभी 1 कमरे से ओपीडी हो रही है तो भीड़ लग रही है, और उस वजह से हो सकता है कोई एक संक्रमित दूसरे को करके जा रहे हो। तो जो उद्देश्य सरकार का चैन तोड़ने का, वह चैन टूट नहीं रही। हो सकता है कि जिस अज्ञात बीमारी की वजह से हम चैन को आगे बढ़ा रहे हो। दूसरी बात, जो अब कोविड की वजह से पूरे धंधे ठप आधे किए गए हैं, मेरी मांग है कि उनको, हर आदमी को जिसको टेस्ट कराना है, जिस तरह से पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, उसी तरह से हर सेंटर पर वैक्सीनेशन भी हो और साथ में टेस्टिंग भी हो, क्योंकि सरकार के पास भरपूर स्टाफ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वैक्सीनेशन करें, आशा कार्यकर्ताओं को साथ लगा के उनका पूर्ण सुरक्षा के साथ उनकी टेस्टिंग करें। साथ में कोविड केयर सेंटर में, गंज बासुदा के कोविड केयर सेंटर में 30 पलंग है और 30 पलंगों पर केवल 4 ऑक्सीजन सिलेंडर 10 लीटर के हैं, जिनमें 2 सिलेंडरों में लीकेजिंग है। इसलिए कल जब मेरे पास किसी पेशेंट का फोन आया, सीधा 15 मिनट हमें ऑक्सीजन दे दी गई, फिर हमारी निकाल के दूसरे को लगा दी गई, फिर उसकी निकाल के तीसरे को लगा दी गई, और साथ में वहां पर जो 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, वह भी इसी तरह से बारिश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।